हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजे मेडिसिन। मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है केटा स्पॉट टैबलेट। केटा स्पॉट टैबलेट के मैं आपको यूज़, डोज, बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट सब कुछ बताऊँगा। आप बने रहिए इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर लो लाइक, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। केटा स्पॉट टैबलेट एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पेट में दर्द और पेट में ऐंठन मरोड़ होने पर इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मैं आगे आपको बताऊँगा इसे लेने का सही तरीका और ये भी बताऊंगा इसे किन्हें नहीं लेना चाहिए, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पैकेजिंग, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। केटा स्पॉट टैबलेट, ये एक पत्ते में 10 टैबलेट होती है और इस एक पत्ते का प्राइस है लगभग 35 रुपये। 30 से 35 रुपये के बीच में आपको ये मिल जाती है और इसे कंपनी बनाती है USB लिमिटेड और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है डाइक्लोफेनक 50 mg, डाइसिक्लोमाइड 20 mg। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं इसे लेने का सही तरीका। दोस्तों इस टैबलेट का इस्तेमाल जब आपके पेट में दर्द हो तब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, या फिर अगर आपके पेट में दर्द मरोड़ हो रहा है तो आप एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले आप कभी भी ले सकते हो। और अगर आपको पेन किलर लेने पर पेट में गैस बनने लगती है तो आप इसके साथ ऐसी लोग 150 mg टैबलेट यूज़ कर सकते हो। ऐसी लोग 150 mg टैबलेट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद एंड स्क्रीन पे वो वीडियो आ जाएगी, आप देख सकते हो। और अगर आप बच्चे को देना चाहते हो तो 6 साल से 13 साल के बच्चों में ये आप आधी टैबलेट सुबह, आधी टैबलेट शाम को खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद आप कभी भी दे सकते हो। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करना चाहते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट हमें मालूम होने चाहिए, साथ साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो सकता है रिप्लाई करने में थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ किन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों जिन लोगों की दवाइयाँ चल रही हों काफ़ी, वो इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। पहले वो डॉक्टर को ये दवाइयाँ दिखाएँ या किसी मेडिकल स्टोर वाले को वो दवाई दिखाएँ, उसके बाद ये दवाई यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो वो भी अपनी मर्ज़ी से इसका इस्तेमाल ना करें। अगर ये इस्तेमाल करना चाहती हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह लें उसके बाद इस्तेमाल करें, या फिर अगर डॉक्टर उन्हें देते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इससे होने वाले बेनिफिट्स। दोस्तों अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करें तो पेट के दर्द को ये ठीक कर देता है। या फिर किसी के पेट में ऐंठन मरोड़ हो रही हो तो उसमें भी ये काफ़ी आराम देता है। या फिर किसी को IBS की प्रॉब्लम हो तो अगर उसमें इसे यूज़ किया जाए तो उसमें भी ये काफ़ी आराम देता है। साथ साथ मैं आपको बता दूँ अगर किसी के शरीर में भी दर्द हो तो उसमें भी ये काफ़ी फ़ायदा करता है क्योंकि इसके अंदर डाइक्लोफेनक 50 mg टैबलेट है। तो ये थे इसके बेनिफिट्स। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों टैबलेट लेने के बाद अगर आपको चक्कर आने लगे तो समझ लीजिए आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर आपकी सांस फूलने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर आपको उल्टी समन या उल्टी होने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर आपको धुंधला दिखाई देने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कोई भी दवा यूज़ करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा यूज़ ना करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, गुड बाय।